अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैर से होंगे। अच्छा, तो हमने अपने साथ खाने का प्रोग्राम किया है, हमने सोचा खुद पकाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो ये गोश्त पका रहे, बकरी का गोश्त पका रहे, खुद पका रहे कि मज़ा आ जाए। ये जब किसी को तरीका नहीं आता सही बनाने का और वो भी खाना पकाए तो वो और भी टेस्टी होता है। तो आप लोग जब जाते हो टूरिज्म में घूमने फिरने के लिए, तो अपने साथ जब कोई चीज़ लेकर जाते हो, खुद पकाते हो या कोई होटल में पकाते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, जिसमें कमरा लिया है, तो पकाई जिसमें हो रही है, तो ये उसे बाहर का नज़ारा है, काफ़ी बेहतरीन, बहुत मज़ेदार नज़ारा है। अभी जब तक खाना पकेगा हम थोड़ा बाहर भी चलते हैं, आप लोगों को बाहर का ये जगह भी दिखा देते हैं कि किस तरह ये जगह। तो ये मैं हूँ और इस कमरे में हम रहे हैं और ये बस पकाई हो रही है, और तब तक के लिए हम फिर थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो अभी ये हम घर से बाहर निकल चुके हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ है। अच्छा, तो दोस्तों ये वो घर है जिस घर में अभी हम ठहरे, तो अभी आपको बाहर से भी दिखा देते हैं। ये देखो, ये छोटा सा प्यारा सा घर है और दीवारें बनी हैं सिर्फ, बाकी जो है ना अंदर सब जो है ना लकड़ी का बना हुआ है। बहुत ही हसीन घर बना है, छोटा सा घर है, प्यारा घर बनाया है। तो इसी कमरे में अभी हम रहे हैं।